मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हत्याकांड से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस चार्जशीट तैयार करने से पहले हत्याकांड के आरोपी विजय यादव को कस्टडी में लेना चाहती है ताकि उससे विस्तार से पूछताछ कर हत्या की साजिश से लेकर उसे अंजाम देने तक की एक एक कड़ी को जोड़ा जा सके। पुलिस जानना चाहती है कि उसका कोई साथी बैकअप में था या नहीं, साथ ही साजिश में और कौन कौन शामिल था। उस समय जो मौके पे ही विजय यादव जो पकड़ा गया था उसको तत्काल इलाज के लिए भेजा गया था। इलाज के बाद जो है कल डॉक्टर के राय मशवरे के पश्चात उसको हम लोगों ने फॉर्मल अरेस्ट दिखाते हुए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। उससे पूछताछ हुई है और अभी हमें और आवश्यकता है पूछताछ की, तो हम पुलिस कस्टडी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। पूछताछ में जो भी बातें निकल के आएगी उसको हम वेरीफाई करेंगे और यदि कोई और व्यक्ति या किसी और अपराधी का रोल आता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई सारी डिटेल्स हैं जो हम इन्वेस्टिगेशन की फाइनल डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं की जा सकती है। लखनऊ कोर्ट परिसर में हुई पूरी घटना को समझने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शुक्रवार को घटनास्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन को भी रिक्रिएट किया। किस तरह से हमलावर कोर्ट परिसर में आया और किस तरह से वारदात को अंजाम देने के बाद पकड़ा गया, सीन क्रिएट के जरिए छूटे हुए साक्षियों और सुराग तलाशने में आसानी होगी। उधर इस केस की जांच के लिए जो टीम बनाई गई है उसमें कुछ और लोगों को शामिल किया गया है। जांच टीम में टेक्निकल और सर्विलांस के एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चूंकि महत्वपूर्ण है तो हमने इसमें टीम मेंबर्स की संख्या बढ़ाई है। जो मुख्य विवेचक जो हमारे मेन जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो SHO वजीरगंज है। इसके अलावा हमने तीन उसके साथ सह विवेचक दिए हैं। एक टेक्निकल टीम जो है सपोर्ट के लिए दी गई है। सर्विलांस टीम पूरी लगाई गई है। तो हम लोग जो है इसको जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन का वो हम इंश्योर कराएंगे। आरोपी विजय यादव से अब तक की पूछताछ के बाद पता चला है कि जीवा का मर्डर जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हुआ। जीवा का लखनऊ जेल में एक मुस्लिम कैदी से झगड़ा चल रहा था। जीवा ने मुस्लिम कैदी की दाढ़ी नोच दी थी, जिसके बाद मुस्लिम कैदी के रिश्तेदार ने नेपाल के काठमांडू में जीवा की हत्या की साजिश रची। डील काठमांडू में हुई, 20 लाख की सुपारी विजय को दी गई। विजय बस से लखनऊ आया और वहाँ एक आदमी मिला जिसने कोर्ट का रास्ता दिखाया। कोर्ट में जीवा को दिखाया गया, जिसके बाद विजय ने जीवा की हत्या कर दी। ये कहा जा रहा है कि जेल में वर्चस्व की लड़ाई में जान गई है, हत्या हुई है कि जेल में एक कैदी से लड़ाई चल रही थी, उसकी दाढ़ी नोच दी थी जिससे वो नाराज हो गया और पूरी साजिश काठमांडू में रही। देखिए ये सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग वेरीफाई करते हैं हर चीज़। वेरिफिकेशन के बाद कुछ अगर निकल के आता है किसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का अगर बनता है इसको तो वो कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद आपको उसका अपडेट दिया जाएगा। अब तक जो जाँच हुई है उसमें क्या मंशा समझ में आ रही है कि क्यों हत्या हुई जीवा? देखिए जो अक्यूज बताता है जो अपने इंट्रोगेशन में, उन सब चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं और उस पर उस जो स्टेटमेंट को उसको एज सच हम रिवील भी नहीं कर सकते हैं। तो उसने जो बातें बताई हैं अपने जगह पे उसको हम वेरीफाई करेंगे। यदि उसमें कोई क्रेडिबल बात निकल के आती है और सत्य होता है और किसी और के विरुद्ध कार्रवाई का होता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते हैं। उस समय फिर जो है रीजन जो उस कार्रवाई का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जीवा को 6 गोलियां लगी थी जो आर पार हो गई थी। उसके शरीर पर कुल 12 निशान मिले हैं जो गोली लगने के और निकलने के हैं। इसके अलावा उसके हाथ में भी 4 जगह इंजरी पाई गई है जो कि गोली से ही हाथों में टकराई थी। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि अकेले विजय यादव ने ही गोलियां बरसाई। जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका ब्यूरन बहुत अधिक डिटेल्स नहीं दे सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, बट जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 इंजरीज है, बट वो इंजरीज कुछ इंजरीज जो हैं वो हैंड्स की हैं, तो रिपिटेशन हो जाता है जब बुलेट जो है पियर्स करके निकलती है हाथों से भी, तो एक ही जो एंट्री एक मतलब एक बुलेट से 2 एंट्री 2 एग्जिट बन जाता है, तो उस तरह से है 16 एंट्री है, बाकी बहुत अधिक और डिटेल्स इसमें नहीं शेयर कर सकते हैं। लखनऊ के SC/ST कोर्ट रूम में बुधवार दोपहर को जीवा की हत्या कर दी गई थी। हमलावर विजय यादव ने वकील के लिबास में आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। वारदात में 2 पुलिसकर्मी समेत कुल 5 लोग घायल भी हो गए थे। सुरक्षा में चूक को लेकर SIT भी जांच कर रही है। अब तक लापरवाही बरतने के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।